अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई जिसमें वह घायल हो गए। बता दें कि ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली कर रहे थे तब उन पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्पष्ट हत्या के प्रयास पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह के कृत्यों की सबसे कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से बेहद चिंतित हूँ। इस तरह के कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में ट्रंप ने कहा, मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। मुझे फौरन पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक तेज आवाज सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली मेरी चमड़ी को चीरते हुए निकल गई। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे लगा यह क्या हो रहा है। ईश्वर भगवान अमेरिका का भला करे।